हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारिका। सो ये वीडियो है सुपर एक्साइटिंग क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ आपको ड्यूप्स ऑफ एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स। ये जो ड्यूप्स हैं या फिर कौन सिमला शेड है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे बहुत ही अल्ट्रा अफोर्डेबल लिपस्टिक ऑप्शंस में। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक्चुअली लिप पैलेट की। जी हाँ, जो कि अफोर्डेबल लिप पैलेट है, जैसे कि ये है मार्स का और ये है आपका स्विस ब्यूटी का। और इन दोनों लिप पैलेट में मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक्सपेंसिव लिपस्टिक के ड्यूप्स या फिर आप कह सकते हैं सिमिलर शेड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ जो भी लिपस्टिक दिखाने वाली हूँ वो एक्सपेंसिव हैं और उनके सिमिलर शेड, क्लोजर शेड या फिर ड्यूप्स आपको मिलेंगे इन लिप पैलेट में, जो कि सुपर अफोर्डेबल है और जस्ट अंडर ₹300 है। हाँ, मैं इतना बता दूं कि ये जो एक्चुअली आपके लिप पैलेट हैं ये आपके ट्रांसफर प्रूफ, स्मच प्रूफ या वाटर प्रूफ नहीं है। ये क्रीमी कंफर्टेबल लिप पैलेट है, तो आपको फॉर्मूला तो सेम यहाँ पे नहीं मिलेगा जो कि उन लिपस्टिक्स में मिलता है। मैं यहाँ पे सिर्फ शेड के टर्म्स में आपको एक क्लोजर ऑप्शन दिखा रही हूँ जो कि आपको आराम से इन लिप पैलेट में मिल जाएगा। तो इवन अगर आप इनको स्वॉच करते हैं तो ये अल्ट्रा क्रीमी नहीं है, ये मार्स का है, ये अल्ट्रा क्रीमी नहीं है पर क्रीमी एंड कम्फर्टेबल ये आपके लिप्स पे रहेगा अच्छा खासा 3 to 4 hours के लिए। हाँ, अगर आप कुछ खाएंगे तो ये रिमूव हो सकती है और ये कोई ट्रांसफ़र प्रूफ या स्मच प्रूफ नहीं है। तो ये इनके बैक पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे हैं। जो सबसे पहले लिपस्टिक है वो है ये टू फेस की बेंट एंड स्नैप। बहुत ही प्यारा शेड है, खूबसूरत सा पिंक है और सबका फेवरेट है। इसका जो सिमिलर शेड आपको मिलेगा वो है मार्स के पैलेट में, ये है इसका पैलेट 02। और इसमें जो 7 नंबर का शेड है, ये जो इस टाइप के वॉयलेट के बगल में है, आपके पर्पल के बगल में जो ये शेड है, ये शेड बहुत हद तक सिमिलर है आपके बेंट एंड स्नैप के साथ जो कि आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, लोग बहुत टाइम से उसका ड्यूप ढूंढ रहे हैं और आई थिंक ये जो शेड है जो कि सिमिलर है वो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला आई थिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो शुगर का मैट एस हेल जो लिपस्टिक आती थी वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग, तो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जो भी यहाँ पे मैं आपको सिमिलर शेड दिखा रही हूँ वो एक्चुअली वेयर करना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ वो है शुगर का शेड वाइन एंड शाइन का, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक सबका फेवरेट है। जो इसका आपको सिमिलर शेड मिलेगा वो अगेन मार्स के पैलेट में मिलेगा और वो ये वाला शेड है, आप देख सकते हैं। 5th नंबर का जो शेड है वो बहुत सिमिलर है वाइन एंड शाइन का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ वेयर करने पे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयर करना। जो नेक्स्ट शेड है वो है पैक की लिक्विड लिपस्टिक, और ये है पैक की लिपस्टिक इन द शेड अडोर। और ये एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स का फेवरेट शेड है और मैंने भी ये शेड जब लिया था तो दूसरे के वीडियो को देख के लाइक इन्फ्लुएंस होके लिया था, पर समहाउ ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लैश आउट कर देता है। तो अगर आप ये शेड लेना चाहते हैं तो बेटर है कि आप यहाँ पे जो सिमिलर शेड है अफोर्डेबल ऑप्शन में आप उसको ट्राई करिए, देखिए कि वो आपके स्किन टोन को सूट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं अगर इसको विदाउट मेकअप लगाती हूँ तब तो ठीक है, पर विद मेकअप ये पूरी तरह मुझे फ्लैश आउट कर देता है। तो ये जो शेड है वो है यहाँ पर ये 15 नंबर का शेड अगेन मार्स के पैलेट में, जो कि बहुत हद तक सिमिलर है पैक की एडोर के साथ। जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है मैक की, ये है इसका पाउडर किस लिपस्टिक, जो पाउडर मैट फॉर्मूला है ये वो है, जो कि एक्चुअली मेरा फेवरेट है। और ये जो लिपस्टिक है अगेन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है क्योंकि इसमें कोई भी मिनी साइज नहीं आता, तो आपको अगर लेना है तो लाइक 1800-1900 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, लगभग 2000 रुपये आप मान लीजिए। और ये जो शेड है लाइक बहुत ही फेवरेट शेड है सबका, ये है डिवोटेड टू चिली। तो ये डिवोटेड टू चिली जो शेड है इसका ड्यूप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन में। इसका जो ड्यूप है वो है ये लास्ट शेड, ये जो लास्ट शेड है मैक के पैलेट में ये बहुत हद तक सिमिलर है आपके मैक की डिवोटेड टू चिली से। सो जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है ये अगेन मैक की पाउडर किस लिक्विड लिपस्टिक, और ये है इन द शेड अ लिटिल टेम्ड, अगेन वन ऑफ द फेमस शेड। और इसका भी ड्यूप आपको आराम से स्विस ब्यूटी के लिप पैलेट में मिल जाएगा। इसमें जो शेड है आपका ये 6th नंबर का जो शेड है, ये आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर है इस मैक की लिक्विड लिपस्टिक के साथ जो कि आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है के ब्यूटी की लिपस्टिक, ये है इसका शेड फ्रेटर्निटी, और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट शेड है लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो मुझे पसंद नहीं आता।
ये आपके लिप्स टेक्सचर को बहुत ज़्यादा दिखा देता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, जिससे अच्छा नहीं लगता, लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई और पैची लगते हैं। लेकिन अगर आप इसका एक बेटर ड्यूप चाहते हैं तो वो आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ जो पहला शेड है, जो सबसे पहला शेड है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है फ्रेटर्निटी से। जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो अगेन मैक की है, और ये है इसकी पाउडर किस लिपस्टिक। मुझे पाउडर किस फॉर्मूला को ज़्यादा ही पसंद है आप कह सकते हैं। और ये है शेड शीयर आउटरेज, और ये सीरियसली बहुत प्यारा शेड है, मुझे सच में पसंद है। बहुत ही सॉफ्ट पिंक है जो कि आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, और ये एक्चुअली नेचुरल लिप्स को बहुत अच्छा दिखाता है, एकदम नेचुरल पिंक लिप्स। तो ये एक्चुअली आपको यहाँ पे ड्यूप में मिल रहा है। इसका जो ड्यूप है वो है ये लास्ट शेड, ये जो का वो भी बहुत हद तक मैच हो रहा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है मैक की मेहर। वेल, इसका एग्जैक्ट ड्यूप तो नहीं है, लेकिन हाँ आसपास के सिमिलर शेड है मेरे पास, जिनको लाइक मिक्स करके आप काम चला सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डार्कर थोड़ा सा लाइटर। तो जो मैक मेहर का जो शेड रहेगा वो ये है। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर के जो शेड हैं, मिडिल वाला और ये शेड, ये दोनों शेड बहुत क्लोज हैं मेहर के। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क है, एग्जैक्ट शेड मैच नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस टाइप का शेड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। इन्हें मिक्स एंड मैच करके समवॉट आपको वही शेड अचीव होगा। तो जो लास्ट लिपस्टिक है वो है मेबेलिन की अल्टी मैट लिप क्रॉन, और इसका जो शेड है ब्लश, उसका मैच आपको यहाँ मिल जाएगा। वो भी अगेन जो 6 नंबर का शेड है उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर शेड है। यही शेड आपका मैच करता था मैक की लिटिल टेम से, और ये आपका मेबलिन से भी काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे लिपस्टिक शेड्स जिनके ड्यूप आपको आराम से इन अफोर्डेबल लिप पैलेट में मिल जाएंगे। आप इनकी हेल्प से ट्राई करके देख सकते हैं कि ये आपके स्किन टोन को सूट कर रहे हैं कि नहीं। ऑल्सो आई नो ये क्रीमी है, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, तो जितनी भी मैंने एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स दिखाई वो भी सारी की सारी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, कुछ ही है उनमें से। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है, कहीं ना कहीं उनकी टक्कर का ही है। वैसे मैंने थोड़ी बहुत ही लिपस्टिक ट्राई की थी ड्यूब के लिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिए। वैसे काफ़ी लिपस्टिक्स हैं जो कि मुझे अभी भी ट्राई करना है। सो अगर आपको ऐसे वीडियो और भी देखने हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, दिस वॉज अ वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।